तो अनपढ़ तो ऐसे बोलेंगे कि बौखलाहट है, ये साइकिल की रफ्तार की बौखलाहट है, जनता की वोट की चोट की बौखलाहट है। तख्त बदल दे, ताज बदल दे, और जब ये जनता अपने पे आ जाए तो ढोंगी बाबाओं की सरकार बदल दे। सरकार की हवाइयां उड़ चुकी है, कोई नेता सही से बोल भी नहीं पा रहा, ये होता है जनता का खौफ। लखनऊ में आप खड़े हो, हेलो, क्या माहौल? माहौल जनता का बहुत बढ़िया है, और ग्राउंड रिपोर्ट है कि 150 के लगभग पहुंच चुके हैं, 150 के लोग गठबंधन चौथा चरण पार करते ही कल 23 तारीख में 200 के लगभग पहुंच जाएंगे। अरे वहाँ, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सुनो, तीन चरणों में खदेड़ा हो गया है। हाँ, बीजेपी का खदेड़ा हो गया सपा का। अरे कहने दो, बाबा को देखने दो, उनकी भाषा बदल गई, शब्द बदल गए, और चेहरा पढ़ो, सरकार की हवाइयां उड़ चुकी हैं, कोई नेता सही से बोल भी नहीं पा रहा, ये होता है जनता का खौफ। नहीं, जनता का खौफ होता है, लेकिन वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी नहीं आतंकवादी पार्टी है। हाँ, कहने दो उन्हें, हम उनके पिच पे नहीं खेलते, हम जनता के रोजगार पे खेलते हैं, किसानों के मुद्दे पर लड़ते हैं, बेरोजगारी पे लड़ेंगे, शिक्षा पे लड़ेंगे, स्वास्थ्य पे लड़ेंगे। आपने अमित शाह जी का बयान नहीं सुना, वो भी तो शिक्षा पे, रोजगार पे, अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि 12वीं करने के बाद में, जब इंटर में एडमिशन लोगे, जब देश के गृह मंत्री अनपढ़, प्रधानमंत्री अनपढ़, मुख्यमंत्री अनपढ़, तो अनपढ़ तो ऐसे ही बोलेंगे, ये बौखलाहट है, ये साइकिल की रफ्तार की बौखलाहट है, ये जनता की वोट की चोट की बौखलाहट है, ये किसानों को जो ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा ना, ये उसकी बौखलाहट है। नहीं, आप बार बार किसानों का जिक्र करते हैं और आपके कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, टैटवा दबा देना, क्या है ये? टैटवा नहीं जानते? नहीं जानते? नहीं, वोट देने जाएंगे लोग, टैटवा दबाने थोड़ी नहीं। हाँ, तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि जो ईवीएम का बटन है ना, ईवीएम का बटन अपने दुश्मन का टैटवा समझ के दबा देना, ये शब्द है, पूरी पढ़ा करो। दुश्मन कौन है? दुश्मन कौन? बीजेपी, जो हमें 13 महीने तक सड़कों पे डाल के रखती है, 700 से ज्यादा हम किसानों की शहादत कराती है, हम किसानों पर उनके मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा के हत्या करता है, हमारी माताओं बहनों के सिर फोड़ता है, हमें आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, माओवादी, नक्सली, मवाली, भेड़िए, आंदोलनजीवी, परजीवी, क्या क्या कहते हैं, तो वो ब्याज समेत इनको वापस करेंगे वोट की चोट से। नहीं, तो आपकी मांगे मान ली, अब आप मतलब विरोध क्यों कर रहे हो, जगह जगह घूम रहे हो, तो प्रचार मतलब उनके खिलाफ में प्रचार कर रहे हो, क्यों नहीं क्यों मैदान क्यों ऐसे उतरेंगे? खुल के कहा था पश्चिम से लेके पूरब तक मारेंगे, और पश्चिम से खदेड़ा करते हुए चौथे चरण में खड़ा हूँ, और आज चौथे चरण का प्रचार खत्म हो चुका है, रात अब पांचवें में चल रहा हूँ, सातवें चरण तक जाऊंगा, खदेड़ा पूरा करके तब घर की तरफ चलेंगे। मतलब विरोध जारी रहेगा? विरोध जारी रहेगा, विरोध मुद्दों पर विरोध है। सरकार को 5 साल का अपना काम बताना चाहिए, वो हमें आतंकवादी कहती है, हमें खालिस्तानी कहती है। अब आतंकवादी कहाँ गया? क्यों, तो आपसे रिश्ता भी निकाला है, देखा नहीं पहले चरण में जब चुनाव हुए थे तो अमित शाह जी पहुंचे थे। नहीं, हमारा कौन सा बाप दादा वहाँ से भी आया था, गुजरात में जो रिश्ता निकाल रहे हैं, हमारा और उसका क्या रिश्ता? किसानों का बहुत ख्याल रख रहे हैं। हाँ, ख्याल रख रहे हैं, छोटे किसानों को बहुत ज्यादा मदद देंगे और दे भी रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं, सारे जो अंबानी बन गए होंगे जो किसान, तो वो 2000 में 2022 में आय दुगनी करने का वादा किया था, कहाँ गए मोदी जी? बोलते हैं उस पर, बच्चों के रोजगार पे बोलते हैं, शिक्षा पे बोलते हैं, स्वास्थ्य पे बोलते हैं, किसी मुद्दे पर? तो वो तो कहते कमल खिलाइए जितना। हाँ, हर बात तेरा कमल ही खिलेगा, कमल की तो पंखड़िया फाड़ दी जनता ने। नहीं, वो कहते हैं कि जितना विकास 70 सालों में नहीं हुआ उतना योगी जी ने 5 सालों में किया है। हाँ, कर दिया, क्या करा? रात को बेटियां जलवाते हैं, रात को बेटियां जलवाते हैं, अपराधियों के साथ योगी जी खड़े रहते हैं, और शाम को चिलम में दम मार के उख चुक बयानबाजी कर देते हैं। आतंकवादियों का सफाया किया है? कौन सा आतंकवादी का बताओ? जब कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में देवेंद्र सिंह DSP पकड़ा गया था आतंकवादी के साथ गाड़ी में, वो कहाँ है? वो कहते हैं कि जो ये अन्य पार्टियां जैसे सपा और जो भी पार्टियां हैं, ये आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जो आतंकवाद का सफाया करती है। यहाँ कहाँ आतंकवाद आ रहा है? तो यहाँ आतंकवाद का मुद्दा है, यहाँ शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है,
महिलाओं का मुद्दा है, बेटियों का मुद्दा है, इस पे बात करो। हम आतंकवादी पाकिस्तानवादी कुछ जानते ही नहीं, हम उनकी पिच पे जाने के ही नहीं, उन्हें अपनी पिच पे लावेंगे। यहाँ आ पाँच साल में क्या करा वो बता, वो गिना तो रहे काम। क्या काम है तो ये गिना दे। हाईवे बनवा दिए। कहाँ बनवा दिए? तेज रफ्तार से चल रहा है यूपी। आज तुझे लखनऊ दिखाऊंगा, लखनऊ में खड़े हो ना, आज तुझे लखनऊ की सड़कें दिखाऊंगा। वो तो कहते हैं कि जितना यूपी में विकास हुआ है, जितने हाईवे यूपी में, अरे यूपी का जितना विनाश हुआ है आज तक हुआ नहीं, इन पाँच साल में जितना विनाश हुआ याद रख। अच्छा काम नहीं नजर आता। हाँ अच्छा है, प्रदेश में नफरत फैलाना, झूठ बोलना, बीजेपी का जितना बड़ा नेता होगा उतना बड़ा झूठ बोलेगा। वो कहते हैं कि जो सत्ता के भेड़िए लोग हैं बौखला गए हैं। बिल्कुल सत्ता चाहिए उनको, कैसे भी मिले। हर तुम क्या हो लोग, तुम्हें सत्ता क्यों चाहिए? देश हित के लिए, देश का विकास करने के। कैसे विकास होगा? देश की सारी संपत्तियां बेच के विकास होता है बताओ? बच्चों पर रोज लाठियां पटकाते हो उससे विकास होता है? बच्चे अगर रोजगार मांगते हैं, इको गार्डन जाना है, यहाँ इको गार्डन जाके देखना आज भी कितने धरने चल रहे होंगे। वो आतंकवाद की बात करते हैं, हम उस पर बात ही नहीं करते। वो कहते हैं हम उनकी पिच पे जाने के ही नहीं। पत्रकार महोदय कितना खींच लो। वो कहते हैं आतंकवादी आज डरते हैं कि मोदी है। यूपी की बात कर, चुनाव यूपी का है, 2024 में मोदी से भी जवाब तलब करेंगे। गुंडा राज खत्म नहीं हुआ? कहाँ हो गया, कहाँ हो गया? वो तो कहते हैं गुंडे तो क्रिकेट खेलते हैं पुलिस संरक्षण में, सड़कों पे। धनंजय सिंह को भूल गए? जब देश का गृह राज्य मंत्री खुद गुंडा हो, स्मगलर हो, उसका बेटा गाड़ी चढ़ा के किसानों की हत्या करता हो और अपने बेटे की जमानत करा लेते हो और किसानों को जेल के अंदर ठोस देते हो। नहीं तो चौथे चरण का कल चुनाव है, यहाँ आप घूमे भी हो, यहाँ पर कैंपेनिंग भी की है। सफाया खदड़ा खदेड़ा बताया था तुम्हें, बंगाल चुनाव के बाद सब दे दिया था कि यूपी में खदेड़ा करके मानेंगे और उसी के में लगे हुए हैं और जनता बिल्कुल तैयार बैठी है वोटिंग करने के लिए। नहीं तो वो भी तो मैदान में उतरे हुए हैं, अमित शाह जी चाणक्य माने जाते हैं मैदान में है। कौन? अमित शाह जी। फिर वही शब्द कहलवाओगे तुम मेरे से, हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर भगवा पहनने वाला योगी नहीं होता और हर टकला चाणक्य नहीं होता। तख्त बदल दे, ताज बदल दे और जब ये जनता अपने पे आ जाए तो ढोंगी बाबाओं की सरकार बदल दे। तो बदलने के लिए बैठिए। कौन है ढोंगी बाबा? अरे पता, तुम्हें पूछने की आवश्यकता नहीं है, सब जनता जानती है ढोंगी बाबा कौन है।